आयमा तो आप होंगी, पर यहाँ कैसे? मेरा कहने का मतलब है, let me guess, आप यहाँ पर रिलेटिव, नेबर या कोई गेस्ट है ना इनकी? मैं आसिर की वाइफ। What? यानी आप दोनों चाहते हैं कि मैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार, वो 3 घंटे पहले मेरा दिमाग खाएगी, उसके बाद जो 3 घंटे पसंद करेगी उस पर बहस करेगी, और आखिरी के 3 घंटे मुझसे नाराज रहेगी। तो मना लेना। ये क्या शोर लगाया हुआ है तुम लोगों ने? हद होती है, अभी से मेला लगाना शुरू कर दिया। आहिस्ता बात करो। वैसे एक बात है, शादी से पहले झूठ बोलकर छुप छुप कर बहाने बना के मिलने का अपना ही मजा है। वैसे कितना तजुर्बा है तुम्हें इस मजे का? वैसे मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि काफी अरसा हो गया आसिर की शादी को, खुशी तो क्या खुशी की कोई खबर भी नहीं आई। हाँ बस सालिहा। बस क्या भाभी, डॉक्टर के पास जाए ना, पता करे। ख्याल ही नहीं आया, अलबत्ता अब परेशानी होने लगी है। अब तो मैं क्या बताऊं सालिहा के, क्या बात है, क्या मसला है, परेशानी क्या है? सब जानते हुए कैसे ले जाऊं उसे डॉक्टर के पास? अभी तो जैसे तैसे हैंडल कर रहे हैं, फिर क्या होगा? रिपोर्ट्स को सब कुछ कह देंगी, फिर? काफी दिनों से सोच रही थी कि काफी अरसा हो गया आसिर की शादी को, खुशी तो क्या खुशी की कोई खबर भी नहीं आई। हाँ बस सालिहा। बस क्या भाभी, डॉक्टर के पास जाए ना, पता करे। ख्याल ही नहीं आया, अलबत्ता अब परेशानी होने लगी है। भाभी परेशानी किसी भी मसले का हल नहीं है, मसले का हल करने के लिए ना पहले मसले का पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सही। भाभी कहीं ऐसा ना हो कि आप बहू को सालों लेके बैठी रहें और फिर पता चले कि बहू तो बांझ थी। क्या करेंगे हम? रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स ही से तो काम बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी वो उन्होंने इस महीने की 10 तारीख रखी है। क्या इतनी जल्दी? इसी सुल्तान को झूठे मुंह से ही हमसे मशवरा तो करना चाहिए था ना। आशी, आशी सुनो, तुम्हें किसने बताया? मुझे, मुझे आप ही ने। अच्छा, उसे मुझे फोन करके बताना चाहिए था, तुम्हें क्यों बताया? मुझे क्या पता। अबू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गए। हैरत है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरा आना इतना अच्छा हुआ हो। खैर फिर भी बताओ क्या बात है। आपके ये गिले शिकवे ना पूरी जिंदगी रहेंगे। आयमा का फोन आया, उन्होंने 10 तारीख रखी शादी के लिए। 10 तारीख तो बहुत जल्दी है भाई। तब क्या किया जा सकता है, इनकार भी तो नहीं कर सकते। अब ये मत कहिएगा कि बात तो की जा सकती है। हाँ तो फिर बात तो की जा सकती है। हाँ, कोई हरज नहीं है। हाँ तो खुद कर लीजिएगा, खुद तो बात करते नहीं है,
फोन मिलाकर मुझे दे देते हैं और फिर मेरी ना जली कुड़ी शक्ल देखते रहते हैं। तुम बात मुझसे ज्यादा अच्छा करती हो ना, इसलिए है ना, तुम ही करना। बहुत अच्छा किया आ गए तुम लोग। एनी को देखने का बहुत दिल कर रहा था। हमारा भी बहुत जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई तो बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप हमें खुशखबरी कब सुना रही हैं? मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय तो ज़किया ले आएगी, आप वो लेकर आइए जिसका हम सबको इंतजार है। मैं समझी नहीं आपके बात। खुशखबरी? देखें, ये सारे कुदरत के काम होते हैं। बेशक बेटा, इसमें तो कोई शक, लेकिन बंदों को दवा और दुआ के लिए भी तो कहा गया है ना। हाँ सालिहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। लगता है भाभी बहू ने मेरी बात का बुरा मना लिया है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है। अब तो बहुत से लोग दबे हुए अल्फाजों में यही सवालात कर रहे हैं। तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम तो घर की फर्द हो, कर सकती हो। और एनी, तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई एनी तो मेरी बेटी ही है, बस कई बार इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और ही जाता। बस भाभी अब तो। आयमा, तुम किचन में जाके जरा डिनर चेक करो तैयार हो गया। मैं चाहती हूँ आज सालिहा और मेरी प्यारी बेटी एनी हमारे साथ ही डिनर करें। जाओ देखो, आओ एनी मेरे पास आके बैठो। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। गुड गुड, भाई इसका ख्याल रखा करो। बिल्कुल ठीक है, ऐसा है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। ओके बाय। आसिफ कहाँ जा रहे हो? मैं मफीर आया हुआ है, उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मैम बोले। देखो मुझे उफैर का इस तरह घर आना जाना और इतना फ्रैंक होना पसंद नहीं आ रहा, गैर मुनासिब है। Come on, mom. उफैर कौन से नया नया इस घर में आया है? वो तो शुरू से आ रहा है इस घर में। Nothing new. पहले की बात और थी, पहले तुम दोनों लड़के अकेले थे, मगर अब आयमा भी है घर में। मॉम, उफैर को आप एक जमाने से जानती हैं, और रही बात आयमा की ना, तो जितना वक्त एक शख्स को जानने के लिए लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा जानता हूं मैं उसको। आयमा के टाइप ही नहीं है वो, तो मेरे ख्याल से ये सब बातें नामुनासिब हैं। आसर तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। नेहा का सारा मामला उफैर के सामने हुआ था, वो सब कुछ जानता है। अगर उसने किसी दिन आयमा को बता दिया तो क्या करोगे? तुम्हें पता है ना उसके पेट पे कोई बात नहीं ठहरती। मॉम वो कोई बच्चा थोड़ी है जो किसी को कुछ भी बता देगा। आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं, मैं जानता हूं उसे। और रही बात नेहा वाली बात की, तो मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं। मतलब ये कि उफैर ने मुझसे पूछा था, क्योंकि नेहा ने उसे अपने डाइवोर्स का बताया था। उफैर ने मुझसे वजह मालूम की तो मैंने भी साफ कह दिया कि नेहा किसी और में इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो मुझ पे इंजाम लगा रही है, और कोई वजह नहीं है, इसलिए मैंने उसे डाइवोर्स दे दी। सिंपल। वाओ, अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या समझदारी दिखाई है तुमने। वैसे सही कहते हैं,
ठीक वक्त पर बढ़ती समझदारी इंसान को ख्वार होने से बचा लेती। गुड, जाओ। मॉम, वैसे जितना बेवकूफ आप मुझे समझती हैं, मैं उतना बेवकूफ हूं नहीं। सी यू। तमीना, तुमने आशीष से पूछ लिया? अगर कोई चीज चाहिए तो बताओ, मैं वापसी में लेता हूँ। वो तो कुछ बता ही नहीं रही है। आपने नोट किया कि आशी दिन ब दिन कितना बदलती जा रही है? बहुत दिनों से तुम्हारा उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ ना, तो इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं, दिल बहुत उदास हो रहा। तमीना, ये उदासी तो हर माँ बाप के मुकद्दर होती है, और हैरत की बात है कि इस उदासी के लिए माँ बाप खुद ही कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी दुआएं मांगते हैं, लेकिन ये वो वाहिद उदासी है कि जिसके पीछे गम नहीं खुशी छुपी होती है। हाँ, थोड़ा बहुत गम होता है जुदाई का, लेकिन फर्ज अदा करने की खुशी भी होती है। पता, सुबह से 2-3 मरतबा मेरे पास आ चुकी है, कोई बात ही नहीं करती, खामोश आंखों से देखती और चली जाती। हालांकि मैंने पूछा भी है कि आशी बेटा, अपनी पसंद का कुछ चाहिए तो बताओ, अगर कोई जवाब भी नहीं दिया। आपको याद है, मैं अपनी पसंद का कुछ जोड़ा उसके लिए लेकर आती थी ना, तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी कि अम्मी इसको आग लगा दे, किसी को दे दे, मैं नहीं पहनूंगी, अपनी पसंद की चीज लेकर आऊंगी। मगर अब धनी कुछ बोल ही नहीं रही। देखो तमीना, बेटियां बहुत समझदार रहती हैं, ये खुद ब खुद अपने वक्त पे सारे काम कर लेती हैं, बल्कि वो काम भी कर लेती हैं जो कभी हमने उन्हें समझाए या बताए भी नहीं होते। आयमा हमारी तो माशाल्लाह शुरू से ही बहुत समझदार थे, सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले, और आशी बिल्कुल उससे मुख्तलिफ। लेकिन पता नहीं, आशी के जाने का सोच करना दिल बहुत उदास हो रहा है। हालांकि आयमा हमारे ज्यादा करीब थी, लेकिन शायद उस वक्त हमें आशी का सहारा नजर आ रहा। देखो, अगर तुम फर्ज की अदायगी के बारे में सोचोगी ना, तो फिर तुम्हें सुकून ज्यादा महसूस होगा उदासी के बनिस्बत। बस खुदा का शुक्र करो कि उसने अब तक हमारी सारी दुआएं सुनी। शुक्र इस पाक परवरदिगार का। सब तो यही दुआ है कि हमारी बेटियां अपने घरों में हमेशा खुश रहें। आमीन। चलो मैं जा रहा हूँ, फिर भी कोई चीज याद आए तो मुझे फोन कर लेना। ठीक, अल्लाह हाफिज़। मैंने तो उनसे कह दिया है कि इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे भी सब कुछ सादगी से करना है। ना हमने उन पे पहले बोझ डाला था और ना इस बार डालेंगे। मॉम, आपने बिल्कुल ठीक किया, शादी हम सादगी से कर लेंगे और वलीमा धूमधाम से। वैसे ठीक है ये। मैंने भी उनसे यही कहा था, मगर वो हिचकिचाने लगे। उन्होंने कहा कि वलीमे का ये फर्क साफ नजर आएगा, आप तो लोगों को जानती ही हैं, जो बात ना हो वो भी बना देते हैं, तो ये तो उनको बनी बनाई बात मिल जाएगी। मैंने उनसे कहा, आप लोगों से कह दीजिएगा कि हमने मना किया था। बिल्कुल ठीक है। मगर वो लोग कहने लगे कि शादी तो इतनी सादगी से की और वलीमा इतनी धूमधाम से। बात तो उनकी बहुत मुनासिब थी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि जिसमें आपकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, हम वही करेंगे। मॉम, हम क्यों परवाह करें, लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? बेटा, हम लोगों की परवाह नहीं कर रहे, हम तो आशी के घर वालों की परवाह कर रहे हैं ना। और अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लगता तो जैसा तुम कहोगे हम वैसा कर लेंगे। अजी, मेरे ख्याल में मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों का क्या है,
वो तो बातें बनाएंगे, हमें उनकी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत एहसास तबीयत के मालिक हैं और तुम्हें अंकल का तो मालूम ही है। वैसे देख लो, शादी तुम्हारी है, जो फैसला तुम्हारा होगा हमें वो मंजूर होगा। कह तो आप लोग ठीक रहे हैं मगर बेटा, खुशियां मनाने का मौका एक नहीं होता, अल्लाह ने चाहा तो और भी मौके आएंगे, फिर जी भर के मना लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर तारीख तय कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, 10 तारीख ठीक रहेगी? 10 तारीख ठीक है, ठीक है। ऐसे करते हैं, भाभी से भी मशवरा कर लेते हैं। हाँ आसिर, आयमा से कहो ना हमारे साथ आके चाय पिए, डिस्कशन भी हो जाएगा। आप वेट करिए, मैं अभी लेके आता हूँ। क्या, क्यों आया? अच्छा है, डालो ये आदत भी, अभी से भाग भाग कर काम करने की आदत डाल लो। भाई आया मैं। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं थी, जिसने भगा भगा के काम कराने वो ऑलरेडी आदत डाल चुकी है। कैसे खेल रहे हैं यार? तुम क्या हर वक्त मर्दाना खेल दिखती रहती हो? मॉम गेम भी कोई मर्दाना जनाना होते हैं क्या? ओ नो, कितनी बेहुदा शॉट खेली है इसने। खेलना आता नहीं और खिलाड़ी बने फिरते। आपसे अच्छी शॉट तो वैसे भी कोई नहीं खेल सकता। तंज कर रही हो, ताने दे रही हो माँ को? मैं इस गेम की बात कर रही हूँ और तुम पता नहीं कहाँ ले गई बात को। He plays nice and aggressively. That's 4 runs. That's a little bit of a gift. वैसे तुम्हें पता है नहीं, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं। इस गेम में अपना वक्त जाया कर रही हूँ। उस विकेट को गिराओ जहाँ पे कोई हासिले वसूल भी हो। मॉम मेरी बात सुने। बस रहने दो। आपकी तारीफ करने लगी थी मैं। हाँ तुम और मेरी तारीफ करो। मैं ये बोल रही थी कि आपकी गुगली के आगे कोई नहीं टिक सकता। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं कि मैं ही नालायक हूँ। अब ये नहीं समझें कि मुझे आपका ख्याल नहीं है, लेकिन वहाँ जो बैटिंग कर रहे हैं ना खिलाड़ी, उनको हराना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब तक वो दोनों साथ रहेंगी ना उनको हराना मुश्किल। और एक तुम हो, मेरा साथ देना तो क्या मेरे बराबर में भी नहीं खड़ी होती। मॉम मैं आपका साथ दे तो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम मैच को उस 12वें खिलाड़ी की तरह हैं जो इंतजार में बैठा रहता है और मैच ओवर आउट हो जाता है उसकी हार जीत के बिना। जब भी बोलना ना, नाउम्मीदी की बातें करना, कभी कोई अच्छी बात मुझे ना निकालना। मॉम क्या हो गया है आपको? एनी, एक बात हमेशा याद रखना, खिलाड़ी का नंबर कोई भी, मौका आने पर वो कभी भी बाजी गिरा सकता है। हाँ आओ आयमा। क्या हुआ? वो आसिर के बारे में बात करनी थी मुझे। मॉम वो ठीक नहीं है। क्या हुआ आसिर को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत बिल्कुल ठीक है उनकी। वो मैं कह रही थी कि मेरे साथ ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ ठीक नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लोगों के शौहर तो बेजा पाबंदियां लगाते हैं बीवियों पर, सारे खानदान की खिदमतें करवाते हैं, मगर आसिर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। इस तरीके से नहीं मॉम, ऐसे तो वो बहुत अच्छे हैं, बस दिलचस्पी नहीं लेते। किसमें?
मुझ में। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बात कर रही हो आयमा? तुम अपने शौहर की मां से ये कह रही हो कि तुम्हारा शौहर तुम में दिलचस्पी नहीं लेता? गोया तुम्हारी ये दिलचस्पियों का मामला भी अब मेरे सुपुर्द हुआ। आयमा, मैं तुम्हें इस तरह की लड़की नहीं समझती थी कि तुम अपना मुंह फाड़ कर मेरे सामने ऐसी बातें करोगी। कोई लिहाज होता है, कोई शर्म होती है, कोई एहतराम होता है। तुम अपने बेडरूम की बातें इस तरह मेरे सामने कैसे कर सकती हो? नहीं मॉम, मैं बस देखो आयमा, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए, और अब तो तुम्हारी बहन के लिए। ये सहूलतें, ये आसाइशें तुम्हें कहीं और मैसर थी? कौन सी ऐसी सहूलत है, कौन सी ऐसी आसाइश है जो तुम्हें यहां मैसर नहीं है? ये शान शौकत, ये नौकर चाकर तुम्हारे खानदान में भी आज तक किसी ने देखे? और जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुम ये दिलचस्पी वाला मामला लेके मेरे सामने आ गई हो। I'm sorry, मॉम। ठीक कह रहे हो। तुम क्या समझ रही हो आयमा? कि मैं समझ नहीं रही? मैं सब समझ रही हूं, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आने दूंगी। वैसे अच्छी बात है। वो अलग बात है कि आजकल के जमाने में इसे बहुत बुरा माना जाता, मगर आसिर अपने पापा की तरह ओल्ड फैशन है। जी क्या? जी जी बात किया करो। अच्छा ये बताओ कि तुम आसिर के रवैये से परेशान तो नहीं हो? मुझे बस ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस उसे अपनी खुशी का इजहार करना नहीं आता। लोगों से मगरूर और नकचड़ा समझते, मगर हकीकत में वो बहुत खौफज़दा। किस बात से खौफज़दा? उसने कभी अच्छी दोस्ती को एक्सपीरियंस नहीं किया। उसका मानना है कि इमोशंस इंसान को कमजोर कर देते। मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है कि जज्बात से ही जिंदगी खूबसूरत है ना? बस यही बात, यही समझाना है तुमने आसिर। जिस वजह से मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, इसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुका दी है। वो लड़की जो मुझे एक आंख नहीं भाती थी, उसे मैंने तुम्हारी वजह से दिल पे पत्थर रख के कबूल किया है। फायदे क्या सिर्फ तुम लोगों के हिस्से में ही आएंगे? तुम्हारी कीमत तो हमने अदा कर दी, अब तुम्हें कीमत चुकाना होगी। मुझे कुछ करना होगा, सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। बात अगर यूं ही बढ़ती रही तो
तो कहीं खत्म ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे किससे, लेकिन किससे बात करूं, कि हर किसी से करने वाली बात भी नहीं है। मॉम भी नहीं समझ पाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रही थी, या शायद मेरी बात कहने का तरीका ठीक ही नहीं था। एक कोशिश और करूंगी, फिर देखते हैं। सखिया कौन देखता है पौधे इतने खराब हो रहे? बहुत दिन हो गए हैं, माली नहीं आ रहा। थोड़ा ख्याल करा करें, ये तो जल जाएंगे ऐसे। तो मुझे घर के साथ ये पौधों का भी देखना पड़ता है। मुझे इनकी इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है मैं इनको पानी दे देती हूँ। ठीक है। हाय भाभी, ओ आई मीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बस जबरदस्त। आश्रय तो अभी तक नहीं आया होगा। जी वो तो अभी तक ऑफिस में है। एक्चुअली मुझे अजमी से कुछ काम था, फोन पर बात हुई थी तो कह रहा था घर ही आ जाओ। अजमी घर पर है। बेबी जी पानी हो गया, मैं किचन देख लूं। जी जी आप जाएं। सो भाभी रूम उसका वही है ना, फर्स्ट फ्लोर पर? जी वहां से राइट पे। अब उफ़ैर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। की फॉर्मेलिटी क्या भाभी, बोलिए। बस ये बात आप आसिर से डिस्कस मत कीजिएगा। ठीक है बताइए। आप नेहा को जानते हैं?